जय हिंद बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भिन्न का भाग देना। तो भिन्न के भाग देने की बहुत ही सरल तरीके से आपको हम सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इन क्वेश्चन को हम आपको इतना इजी बता देंगे कि आप लोग एकदम इजी समझ पाएंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसका देखा जाए। देखिए, 1/2 का 1/4 में भाग देना है, 2/3 का 4/9 में भाग देना है, और ये लिखा है इसे भी भाग देना है। देखिए, बहुत ही इजी होता है, सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट रहेंगे और बिल्कुल सरल तरीके वाले कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, 1/2 भागित, यहाँ पर लिखा है, और यहाँ देखिए 1/4 को, 1/2 से 1/4 को डिवाइड करना है। तो देखिए, सबसे पहला रूल होता है कि आपको इसको बेसिक की बेसे ही लिखना है। जो 1/2 लिखा है तो इसे 1/2 लिखेंगे, इसे लिखेंगे भाग की जगह, इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ओके, जो भाग का चिन्ह है उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे बेटा। और जो 1/4 लिखा है तो इसे पलट देंगे, जैसे 4 नीचे लिखा है तो 4 ऊपर लिख देंगे और 1 नीचे लिख देंगे। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, देखिएगा, 1 और 4 का गुणा करेंगे, फिर नीचे वाले का इसमें गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे 2 एकम 2 हो जाएगा बेटा। 2 से काटेंगे, 2 से अगर 4 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए कितना इजी था, बहुत इजी था। आपको पहले पहले वाले फ्रैक्शन को वैसे लिखना है, फिर भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है, इसको अपोजिट करके आंसर ले आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए उसे भी वैसे ही करना है। ये लिखा है 2/चिन्ह भाग का चिन्ह और 4/9 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले को वैसे ही लिखेंगे, जैसे ये 2/3 लिखा है तो 2/3 लिखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे, इसको पलट देंगे, मतलब 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 9 करेंगे, और देखिएगा 3 गुणा नीचे वाले का 4 में करेंगे, अब भाग दे देंगे। देखिए काटते आता है, हमने बताया बेटा 3 से अगर इसे भाग देंगे तो 3 3 टाइम जाएगा। ओके, 3 से 3 3 जा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 2 से काटेंगे नीचे वाले को तो कितनी बार चले जाएगा बेटा, 2 से यहाँ देखिएगा ये 2 टाइम चले जाएगा, तो ऊपर कितना है, 3 है, एंड नीचे कितना है, 2 है, तो देखिए इसका भी आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको करना है, पहले फ्रैक्शन पहले वाले को वैसे ही लिखना है, भाग को गुणा में, और इसको अपोजिट कर देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है 4/5 भागित का चिन्ह लगा हुआ है, 16/15। ओके, ये आपके सामने है, तो इसे आपको करना है, देखिएगा सिंपल होता है। इसे करने के लिए ये 4/5 को पहले वाले फ्रैक्शन को वैसे लिखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, इसको पलट देंगे, ये 15 इधर लिखा आएगा, नीचे 16 लिखा जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 3 टाइम। 4 से इसे काटेंगे तो बेटा ये 4 टाइम चले जाएगा। गुणा का चिन्ह लगा है तो इधर वाले को इधर वाले से काट सकते हैं। ओके, गुणा का चिन्ह में ही, सिर्फ प्लस का और माइनस का चिन्ह होगा तो नहीं काट सकते बेटा। ओके, सिर्फ गुणा का चिन्ह लगा रहेगा तभी काट पाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर 3 बचा है, नीचे 4 बचा है, ये आंसर आ चुका है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। ये रहा 9/3 भागित, आपके पास रहा है 15/12। इसको आपको होमवर्क में है, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का जो होता है प्रवेश परीक्षा, इसकी तैयारी कर रहे हैं, या आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने संकल्प बैच चलाया है बेटा। इसकी जो फीस रखी है एक साल के लिए 499 रुपये रखी है। ओके, 499 रुपये इसकी फीस है, इसकी फीस एक साल के लिए रहेगी। अगर आप लोग या आपके छोटे भाई बहन इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर के जरिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प बैच जो हमारा है वो DC क्लासेस के एप्लीकेशन पर रहेगा। इसमें आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड हिंदी की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। संकल्प बैच में आपको नवोदय की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड हिंदी, इसकी प्राइस सबसे कम रखी गई है, 499 रुपये में एक साल आपको पढ़ाया जाएगा बेटा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद बच्चों।